भाजपा के कद्दावर नेता रहे वर्तमान में भारत वाहिनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। लंबे समय तक कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाले तिवाड़ी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज शाम 6 बजे रामला मैदान में सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। A1 टीवी से खास बातचीत में तिवाड़ी ने कहा कि देश में मोदी सरकार ने अघोषित आपातकाल लगा रखा है और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए वे कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ खास कहा। लंबे समय तक कांग्रेस को कोसने वाले घनश्याम तिवाड़ी अब कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता रहे और संघ से भी जुड़े रहे, लेकिन आखिर राजनीतिक का जो अंतिम पड़ाव है उसमें वो कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं और कांग्रेस की नैया में सवार हो रहे हैं। तिवाड़ी जी, आखिर ऐसा क्या रहा, किन विचारों से आप प्रभावित हुए कि आपको कांग्रेस का दामन थामना पड़ा, क्योंकि आप संघ से जुड़े रहे और हमेशा आपने जो राजनीति की अपने शुरू से, अपने बचपन के समय से आप संघ से जुड़े रहे और अब आप कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि आप कांग्रेस से प्रभावित हुए और कांग्रेस विचारधारा को अपनाने जा रहे हैं? देखिए, पिछले 5 साल से लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी और उसके परिवार से जुड़े हुए संगठनों से अलग रहा हूं और 5 साल से मैंने सड़क पर भी और विधानसभा में भी उन सब के खिलाफ संघर्ष किया है। उस संघर्ष के बाद मुझे लगा कि मेरे अकेले से उस काम में सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि चुनाव का जो रिजल्ट आया उसने साबित किया कि राजस्थान में सिर्फ 2 दलीय व्यवस्था ही चल रही है। इसलिए मैंने उचित समझा कि वर्तमान में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, उनका संरक्षण, संवैधानिक संस्थाओं का संरक्षण, इसके लिए कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ जाए और इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। तो वर्तमान में क्या कांग्रेस की विचारधारा बदली है या बीजेपी की विचारधारा बदली है या फिर आपकी विचारधारा बदली है? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की जो विचारधारा थी, क्योंकि राजनीति एक विचारधारा की राजनीति होती है, आपने बीजेपी की विचारधारा और आपकी विचारधारा मिलती थी इसलिए आप हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे, लेकिन अब किसकी विचारधारा बदली है? मैंने 5 साल पहले ही बीजेपी की विचारधारा छोड़ दी थी। तो आपको कांग्रेस की विचारधारा ठीक लगने लगी? अब कांग्रेस जिस प्रकार से अपना स्वरूप बदल रही है और राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का जो स्वरूप बना है वो लोकतंत्र के संरक्षण के लिए सबसे मजबूत पार्टी के रूप में उसका उदय हुआ है, इसलिए मैं साथ जा रहा हूँ। चर्चा है कि आप जयपुर शहर या ग्रामीण में से लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं, अगर पार्टी कांग्रेस पार्टी आपको चुनाव लड़ाती है तो क्या आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? मैं दोनों स्थानों से ही लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को भूलकर अब कांग्रेस विचारधारा को ग्रहण करने जा रहे हैं घनश्याम तिवाड़ी जी, और खुद मानते हैं कि अघोषित आपातकाल है और लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई के लिए वो कांग्रेस में शामिल होकर बीजेपी के खिलाफ ये लड़ाई लड़ेंगे। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ पिंटू सिंह नरू का A1 TV जयपुर।